शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंगलवार की दोपहर का कंटेनमेंट जोन के बढ़ते मियाद को देखते हुए आर्थिक समस्या से जूझ रहे देगरा शहर के घंटी बाबा परिसर कंटेनमेंट परिसर के लोगों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। जीवनावश्यक सामग्री का वितरण नहीं किए जाने से नाराज इन लोगों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा। इसके बाद हड़बड़ा कर नींद से जागे प्रशासन ने शाम 4 बजे के करीब परिसर में अनाज का वितरण किया। मालूम हो कि कंटेनमेंट जोन की मियाद गैरवाजिब तरीके से बढ़ाए जाने से भी लोग नाराज है। एक तरफ बढ़ते कोरोना प्रादुर्भाव से शहर और परिसर की जनता हैरान है, वहीं कंटेनमेंट जोन के नागरिक भी अब त्रस्त हो चुके हैं। मालूम हो कि शहर के 8 इलाके कंटेनमेंट जोन में तब्दील किए गए हैं, जिसमें चांद नगर, देवनगर से सटे कोटपुरा और घंटी बाबा परिसर को कंटेनमेंट जोन में तब्दील हुए 2 हफ्तों से भी ज्यादा समय हुआ है। और खास बात तो यह है कि चांद नगर के 3 और घंटी बाबा परिसर से एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना निगेटिव होकर घर लौट चुके हैं। फिर भी कंटेनमेंट जोन में शामिल चांद नगर और घंटी बाबा परिसर में लगाई गई बैरिकेडिंग जस की तस है। ऐसे में बीते 15 से 20 दिनों से आर्थिक समस्या का सामना कर रहे घंटी बाबा परिसर के लोगों ने मंगलवार को अपना आपा खो दिया और दोपहर को घंटी बाबा मंदिर के नजदीक लगे बैरिकेड्स के पास बैठकर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। इस दौरान विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बताया कि परिसर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। एक मरीज कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव होकर घर लौट आया है और 14 दिन से ज्यादा समय होने के बाद भी उनके मोहल्ले से बैरिकेडिंग हटाई नहीं गई है। इसके अलावा तहसील कार्यालय की ओर से भी हाल फिलहाल सीलबंद हुए इलाकों में अनाज का वितरण किया गया, जबकि घंटी बाबा परिसर और अन्य इलाके जो काफी दिनों से सील है, लेकिन यह मदद पहुंचा ही नहीं गई। गौरतलब है कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद हरकत में आते हुए तहसील कार्यालय ने शाम 4 बजे के करीब घंटी बाबा परिसर के लोगों को फूड पैकेट्स वितरित कर लोगों के गुस्से को शांत करने का प्रयास किया। बाबा मंदिर परिसरात राहतो, कंटेनमेंट झोन आज 19 दिवस झाले तरी शासनाकडून काही निरोप आला नाही आणि आमची इच्छा ही आहे की शासनाकडून 14 दिवसाचा कंटेनमेंट झोनचा आम्हाला सांगितलं होतं आणि 14 दिवस नंतर आज खुलण्यात आला पाहिजे होतं, पण ते खुलणं गेलं नाही। प्रशासनाकडून आम्हाला कोणत्याही प्रकारची मदत म्हणून काही भेटली नाही, तर आज 4 वाजता शासनाकडून मदत म्हणून तहसील कार्यालयामधून मदत आली आहे। शासनाकडून शासनानं आम्हाला किट वाटप केली खंडीबाबा परिसरात आणि आमचा हे उद्देश आहे, शासनाने हे म्हणणं आहे की आज जे कंटेनमेंट झोनमध्ये आम्ही राहत आहो ते पूर्ण दिवस झालेले आहे। आज जे आमच्याकडून पॉझिटिव्ह व्यक्ती निघाला होता ते व्यक्ती आज सदर घरी पोहोचला आहे निगेटिव्ह निघून, आणि हा एरिया लवकरात लवकर प्रशासनानं खोलून टाकले पाहिजे आणि आमचे कामधंदे आम्हाला जाय। कंटेनमेंट झोन की जनता पहले ही आर्थिक समस्या से जूझ रही है, ऐसे में उनका गुस्सा होना लाजमी बात है। तहसील कार्यालय अगर वक्त रहते समदीत परिसर में अनाज और जीवनावश्यक सामग्री का वितरण कर लोगों को तसल्ली देता तो आज ये नौबत नहीं आती। बहरहाल घंटी बाबा परिसर, चांद नगर और गोंडपुरा इन इलाकों के नागरिक 14 दिन मुकम्मल होने से संबंधित परिसर कंटेनमेंट जोन हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। देखना यह होगा कि आगामी दिनों में स्थानीय प्रशासन उनकी समस्या को किस तरह से सुलझाता है। इन बीसीएन न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।